हर हर महादेव, जय शिव, जय भोले बाबा। दोस्तों अभी हम लोग हैं जिलेबिया, तो अगर सुल्तानगंज से इसकी दूरी देखा जाए तो 45 किलोमीटर पड़ेगा। तो आगे हम लोग दिखाएंगे कि कितना आगे कितना किलोमीटर है, क्या है वो दिखाएंगे। अभी हम लोग जिलेबिया है, जिलेबिया पहाड़ हम लोग चढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने पिछला वीडियो में दिखाया था दसपेशिया से लेके जिलेबिया तक, और जिलेबिया से अब जिलेबिया पहाड़ आगे ये सब कवर करेंगे पूरा चढ़ाव है। देखते मेरा बाइक चढ़ पाता है कि नहीं, तो उसके बाद लेते चलेंगे आपको साथ में, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं इतना काफ़ी मेहनत करता हूँ, मेरा काफ़ी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट दूँ और ओरिजिनल कंटेंट दूँ। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करने के लिए फ़ोन पे नंबर दिया है, वहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, थोड़ी सी खर्च में मेंटेन हो जाए और आपकी सहायता हो जाएगा तो मुझे कम पड़ेगा। तो इसलिए आप फ़ोन पे दिया गया, आप सहायता कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं काफ़ी चढ़ाव है, देखते हैं चढ़ता है क्या नहीं। काफ़ी बड़ा चढ़ाव है देख सकते हैं, और मेरा गाड़ी जो है काफ़ी जवाब दे रहा है, और ऐसा ना हो चढ़ जाना चाहिए क्योंकि मतलब कि स्लोप बना दिया गया है तो आराम से चढ़ेगा थोड़ा सा, लेकिन चढ़ाव बहुत बड़ा है। और जो पैदल आते होंगे उसके लिए तो मैं क्या बताऊँ, काफ़ी दिक्कत होता होगा। देख सकते हैं इधर जो है बनाया नहीं है, इस कंकड़ वगैरह में चलने में जो दिक्कत होता होगा कवरिया भाई को, काफ़ी दिक्कत होता होगा देख सकते हैं। काफ़ी मतलब कि कंकड़ है, सुइया में तो बना दिया गया है, वो क्या कहते हैं ढाल के सुइया में बना दिया गया है, लेकिन जिलेबिया का आप देख सकते हैं कैसा स्थिति है। उस जगह इतना कंकड़ था, उस कंकड़ में चलना कितना मुश्किल होगा कवरिया को बता सकते हैं, काफ़ी चुभेगा। इधर भी काफ़ी कंकड़ है, इस सब में जो है ना उसको काफ़ी चुभेगा, जो कि दर्द जो आप सुने होंगे ना सुइया पहाड़, उससे ज़्यादा हमको लगता है कि जिस दिक्कतें होता होगा तो जिलेबिया में होगा, ठीक है। ये जिलेबिया पहाड़ कम से कम बीच बीच में इधर बालू गिरा देना चाहिए, वैसे भी वन विभाग से इधर ढलान है पक्का ही कर देने से अच्छा होगा, क्योंकि अगर इसमें वो कर देंगे क्या कहते हैं बालू भी गिरा देंगे तो पानी के बहाव के कारण क्या होगा, ये पूरा जो है बह के चले जाएगा, तो इसलिए इसमें बालू वगैरह नहीं चलेगा। देख सकते हैं गिरा भी दिया है तो देख सकते हैं कैसा स्थिति हो गया, और बारिश में ही रह सकता है, दूसरा महीना में नहीं रह सकता है। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से है पूरा एकदम, इधर सही है ये मतलब कि समतल जगह है। फिर देखिए यहाँ पे चढ़ाव है, बहुत बड़ा चढ़ाव है, यहाँ पे दिक्कत होता है कवरिया भाई साहब को, तो देख सकते हैं। और अकेला यहाँ पे बहुत सारा घटना घटता है बम साहब के साथ, जो अकेला महसूस करते हैं उस समय जो है बाबा जो है इनको बहुत मदद करते हैं, ठीक है, बाबा यहाँ से सहायता करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 4 किलोमीटर दूरी पे है टंकेश्वर नाथ, ठीक है, तो यहाँ से टंकेश्वर है। तो चलते हैं आगे, और यहाँ पे एक देखिए इस जिलेबिया पहाड़ को झरना पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक झरना है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे पानी चलता है और आप पी सकते हैं। अब देखिए हमको इस पहाड़ को इधर से चढ़ाना है, अब कैसे चढ़ेगा, मुझे लगता है अकेले ही हमको इधर से जाना पड़ेगा। पूरा देख सकते हैं किस प्रकार से चढ़ाव है, और हमको इधर चढ़ाना है तो हम इस बच्चे को उतार देते हैं, पूरा चढ़ेगा रे, हाँ चढ़ेगा, बंद करो बंद करो, तुम लेके चलो, रुको 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 रुको, चढ़ेगा भाई चढ़ेगा। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा चढ़ाव है, अगर पीछे आए तो मतलब कि अगर रुके हैं तो समझ जाइए कि पीछे ही हमको आना पड़ जाएगा, पता नहीं वो लड़का स्टार्ट किया है कि नहीं। बहुत बड़ा चढ़ाव है देख सकते, और फर्स्ट टाइम मैं इतना बड़ा चढ़ाव चढ़ा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो राहुल है दिखाते हुए आ रहा है, बहुत बड़ा चढ़ाव है, और इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, और अगर ये ढलाई नहीं किया हुआ रहता तो काफ़ी दिक्कत होता, तो एक्चुअल में ढलाई कर दिया है तो दिक्कत नहीं है, ना तो काफ़ी कंकड़ वाला रहता है। थोड़ा सा घुमा के दिखाओ उधर से राहुल, और देखिए कितना बड़ा चढ़ाव है ये देख सकते हैं, इसमें जो है ना इसी में हमको बाइक चढ़ाना पड़ा तो बहुत दिक्कत होता है। तो ये हमारा जो है कहलाता है, ये हमारा जिलेबिया कहलाता है, ठीक है।
तो आगे भी चलते हैं, आप इनको बैठा लेते हैं, इतना सा तो चढ़ ही सकता है। बैठ जाओ राव। तो ये देखिए जलेबियाँ है, और इधर देखिए इधर बना हुआ है ये कुछ बैठने के लिए, तो अभी तक खुला नहीं है, इधर भी ये सब देंगे। तो जगह जो है बहुत अच्छा है, इधर देखिए पूरा इधर प्लास्टर वगैरह कर दिया है। तो ये सब सावन में जो है ना काफ़ी मतलब कि अच्छा रहता है यहाँ पे बैठने में, और एक मेला टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरा मतलब कि भीड़ रहता होगा, क्योंकि जो भी ये चढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे उसको रुकना ही पड़ेगा, आराम करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी थक जाएंगे उस चढ़ाव को पार करने के बाद। तो ये हमारा था जलेबियाँ, जो कि बहुत ही बहुत कुछ चाहते थे जलेबियाँ दिखाइए, तो हम जलेबियाँ आपको दिखाएँ। और जो हमारा वहाँ से जहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए थे जलेबियाँ से, और जलेबियाँ पहाड़ हम लोग आ गए हैं, तो लगभग हमारा कितना कवर हुआ, तो लगभग हम लोग 1 किलोमीटर कवर किए हैं, तो 1 किलोमीटर दूरी है। और यहाँ से हम लोग फिर नीचे उतर रहे हैं नीमा टाँड। देखिए यहाँ से एक गांव स्टार्ट होता है जिसको हम लोग नीमा टाँड कहते हैं, और ये वन विभाग क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको, ये नीमा टाँड कहलाता है, और पूरा जो है ये वन विभाग क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, सिर्फ गांव छोड़ के, गांव के बाद जो है पूरा वन विभाग क्षेत्र में आता है, और ये संथाल एरिया होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक स्कूल भी है, इधर अगर देखें देखिए नीमाटा ये स्कूल है, और ये जो प्रखंड है बेलर प्रखंड में आता है, और बांका जो है बांका ज़िला में आता है, ज़िला जो है इसका बांका पड़ता है। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं मुंगेर ज़िला से बांका ज़िला में कब का ही प्रवेश कर चुके हैं, और फिर हमारा देवघर ज़िला आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बांका ज़िला में चल रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर थोड़ा, जब मैं स्टार्ट किया था जब लास्ट टाइम में, इधर बहुत बालू था, मतलब कि पिछले साल की बात करें, और अभी पूरा इधर देख सकते हैं पूरा मतलब कि बालू झड़ गया है, लेकिन फिर भी सही है रास्ता कवरियों के लिए। जिस तरह का पूरा मोटा बालू था, जो कि बाइक मेरा नहीं चल रहा था, अभी तो बाइक आराम से चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं दुकान आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप उतरिएगा जलेबियाँ से, जलेबियाँ झरना पहाड़ से, तो आपको इधर आपको दुकान मिलेगा दो वो खाने पीने के लिए। तो आराम से, मैंने बताया ना 5-6 किलोमीटर या 8-10 किलोमीटर के अंतराल में आपको मिल ही जाएगा, तो जहाँ आपको खाने की ज़रूरत है वो तो मिल ही जाएगा, 100% है, दिक्कत नहीं होगा। मैं सोचा था कि काफ़ी दिक्कत होगा कि दुकानें नहीं है, क्योंकि मैं खुद से देखा नहीं था, तो इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था। और यहाँ से देख सकते हैं टंकेश्वर 3 किलोमीटर है, और देखो 49 किलोमीटर मतलब 49 किलोमीटर। चलिए, और अभी हम लोग कितना लगभग कवर कर चुके हैं, ये लगभग हम लोग 2 किलोमीटर लगभग पहुँचने वाले हैं वहाँ से, 47 और 2 कितना हो गया 47 किलोमीटर। यहाँ 47 किलोमीटर आइएगा तो फिर आपको खाना मिलेगा यहाँ पे। फिर देखिए हमें बम मिले दो को, यहाँ देखिए बच्चा कुछ मांगता हुआ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम, बोल बम, बोल बम। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिले बाबा, तो वो जैसे पहाड़ चढ़े होंगे तो ज़रूर वो रेस्ट किए होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी पहाड़ है। ठीक है, और उसको चढ़ते चढ़ते उनको थकान तो लगेगा ही। और आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, इधर अच्छा चलने में लगता होगा कवरिया सकते हैं, क्योंकि बालू इधर ज़्यादा है, कहीं कहीं जो है बालू कम है, अदरवाइज़ हर जगह समान रूप से बालू है। जो कि इस तरह का बालू रहेगा तो उसको और मज़ा आएगा चलने, जो पूरा फुलका हुआ मतलब कि एक स्पंजी टाइप का, तो उसका अच्छी तरीके से और बैठेंगे, और उसमें चुभने की जो चुभते हैं वो नहीं चुभेगा। अब यहाँ पे देखिए ये हनुमाना डैम है, इधर दिखा दीजिए, ये पास में है हनुमाना डैम है, बहुत सारे बोले थे आप हनुमाना डैम, एक अंकल भैया थे जो बोले थे हमको हनुमाना डैम दिखाइए, कौन क्या नाम सी भी है कुछ बताए थे, शायद मुझे याद नहीं है। तो ये हनुमाना डैम है, उस भैया के लिए ये वीडियो है। भैया मैं सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया, क्योंकि बहुत सारे कॉल करते रहते हैं, मैं लगभग कितनों का जो याद रहता है तो ज़रूर मैं उनको उनका नाम लेता हूँ, लेकिन आपका एक मुझे याद था कि आप बोले थे हमें हनुमाना डैम दिखाइए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर एक बार दिखा दीजिए, इधर हनुमाना डैम,
बेसिकली रोशनी उधर से आ रही है ना, शायद वीडियो क्वालिटी सही से नहीं आता होगा, जिससे ये हनुमाना टेम इधर है, ठीक है। और यहाँ से अभी हमें 3 बम और दिख रहे हैं जो कि पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, तो देख सकते हैं। बोल बम, बोल बम, बोल बम, देख सकते हैं। कौवा द यहाँ कहलाता है ये, ठीक है, कौवा द। दोस्तों जिलेबिया से हम लोग यहाँ तक पहुँचे 3 किलोमीटर, कौवा द है, और सुल्तानगंज से अगर जोड़ेंगे तो टोटल 48 किलोमीटर दूरी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं कौवा द, और उसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो 48 किलोमीटर कवर किया हूँ। और यहाँ पे कौवा द के पास ही हनुमाना डैम, हनुमाना डैम आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अंकल बोले तो वो जो है हनुमाना डैम कहलाता है, तो वहाँ तक तो हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा दें कि हनुमाना डैम है, ठीक है। तो अगला वीडियो मैं यहाँ से रिकॉर्ड करूँगा जो कि आपको अगले पार्ट से मिलेगा। तब तक के लिए आपको वीडियो को क्या करना, लाइक करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भाई को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पे जो फोन पे नंबर दिख रहा है आप वहाँ से कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।